एक बार मैं चाहूंगा मिस्टर राज मोहम्मद जब एजेंसी के ऊपर था तो मिस्टर राज मोहम्मद जी का कॉल आया, देखिए एक बार ताली बजाओ तो दिल से बजा दो यार, और उनकी वजह से ये प्लान देखने का मौका मिला वेस्टइज का। मेरे को इन्होंने वेस्टइज प्लान दिखाया, कहां पे दिखाया यार, जो बात कर रहा हूं आप कि यार इतना सब कुछ था लेकिन रग रग में डायरेक्ट सेलिंग भरा हुआ था, ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ भी था। मैंने कहा नहीं यार चलो कर लेते हैं पैसा लगा के कुछ भी करके, लेकिन करना तो डायरेक्ट सेलिंग ही था, लेकिन वो कंपनी खुली नहीं। तो उस समय राज जी ने प्लान बताया और राज जी ने कहा मेट्रो स्टेशन के नीचे पिलर नंबर 432 के नीचे बैठकर, आज राज मोहम्मद जी सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने पिलर नंबर 432 1:37:14 एक एक चीज नोट करी मैंने, मैंने फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म भरने के बाद इन्होंने जो भी बताया जैसा भी बताया, बताने के बाद इन्होंने मुलाकात कराई मेरी उन लोगों से जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में और क्लियरिटी मेरे को की, और मैं उन चारों पांचों का अंदाज जब वो आने लग रहे थे मेट्रो स्टेशन से उतर के तो मैं उन पांचों को देख रहा था। तो एक बार मैं चाहूंगा फोरम फिल्म करने के बाद वेस्टइज की शुरुआत कराई और उन पांचों लोगों से मिलवाया 22 मार्च को मैंने वेस्टइज की शुरुआत करी। और मैं एक बार चाहूंगा राज मोहम्मद जी के लिए जिन्होंने मेरे को उन पांच लोगों से, एक बार मैं चाहता हूं दिल खोल के ताली बजा दो। मैं जो भी कुछ हूं आज मेरे अप्लायंस बैठे हुए सारे, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, सिर्फ इन लोगों की वजह से, इन सब की वजह से हूं। इन सब लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरी, बहुत कुछ मुझे सिखाया, इस लेवल तक पहुंचाया, हमेशा ऋणी रहूंगा, दिल से शुक्रिया करूंगा हमेशा, चाहे उसमें रिहान जी हो, राजकुमार गिरी जी हो, राजीव शर्मा जी हो, धर्मेंद्र मान जी हो, और राजीव रिजवान जी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन रिजवान जी के लिए मैं एक बार चाहूंगा दिल से, एक बार दिल खोल के ताली बजा दो, बहुत हेल्प करी रिजवान जी ने। मैम यहाँ बैठी हुई है और रिजवान जी ने जब वो फास्ट 10% समझाने लग रहे थे मेरे अच्छे से, बहुत सारे याद है सब कुछ, गिरी जी का अंदाज कुछ और था, वो प्लान पकड़ा रहे थे और मानसा वो प्रोडक्ट कैटलॉग दिखा रहे हैं क्योंकि बता दिया था राज जी ने भाई संजय यादव जी हरियाणा से, अच्छा लेवल था, बढ़िया था, पहली मुलाकात पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी जानते थे लेकिन इनको पता था ज्वाइनिंग हो जाएगी तो काम अच्छा होगा, बढ़िया काम होगा। तो एक बार दिल से सलूट चाहूंगा एक बार मेरे तमाम अपलाइन के लिए, एक बार दिल से दोबारा से थैंक यू सो मच सर आप लोगों की वजह से। और तब इन्होंने क्या कहा प्लान के बारे में बताकर, इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट कौन से चाहिए, तो मेरे दोस्त मैंने जब शुरुआत करी मेरी मम्मी को ज्वाइंट पेन था, वेस्टइज में क्यों आया, मैंने कहा आपका कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है हेल्थ को लेके आए, वेल्थ को लेके आए, किसी और को लेके आए, मैं वेस्टइज में आया था मम्मी की हेल्थ के लिए, ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में प्रॉब्लम थी और मैंने सबसे पहले ज्वाइंट पेन के लिए मेरे चारों पांचों छह अपलाइन ने रिकमेंड किया मेरे को ये नोनिस, पालूना, फ्लैक्स, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कुछ घर के प्रोडक्ट थे। 2860 रुपए की बिलिंग हुई और 2860 रुपए की बिलिंग रमेश नगर ऑफिस, उस समय सुभाष नगर ऑफिस से करके, और हम वहां से मैं निकला और ये पहली बार बिलिंग करी, घर पे आया तो छोटा भाई वकील साहब, वकील साहब ने क्या बोला कि यार ये इन प्रोडक्ट से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ठीक नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कहा खिला के दिखाते हैं, अब मम्मी जी ठीक हो गई तो कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरे दोस्त प्रोडक्ट दिया, यूज करना शुरू किया, एक महीने के अंदर मम्मी ने कहना स्टार्ट कर दिया, जो कई साल से परेशान थे, 4-5 साल से सब जगह दिखा चुके थे, और 2860 की बिलिंग होने के बाद जब ये प्रोडक्ट दम मम्मी ने खाना स्टार्ट किया तो आपको एक बात बताऊंगी आश्चर्य चकित, 30 दिन के अंदर मम्मी ने कहा कि 50% आराम है, वो दवाई दोबारा लेके आओ मेरे दोस्त। और मैंने 2 महीने एक बार चाहूंगा वेस्टइज के लिए, वेस्टइज सप्लीमेंट्स के लिए, अच्छा माँ बाप से प्यार करते हैं, करते हैं प्यार, कितने लोग जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, करते हैं प्यार, दोनों हाथ ऊपर, एक बार दोनों हाथ ऊपर, एक बार गिरी जी एक फोटो खींचते सर, करते हैं प्यार, अच्छा सबसे अच्छे माता पिता किसके, मेरे, किसके, किसके, सबसे अच्छा परिवार किसका, किसका, मेरा, सबसे अच्छी कंपनी किसकी, सबसे अच्छे प्रोडक्ट किसके, सबसे अच्छा ब्लाइंड किसके, सबसे अच्छे लाइफ लाइन किसकी, सबसे अच्छा पेपियाम किसका, मेरा, अरे नहीं हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं, सबसे अच्छी अपलाइन किसकी, मेरी, और सबसे अच्छा सिस्टम किसका, मेरा, ग्रोस का। एक बार मैं चाहूंगा सिद्धार्थ सर के लिए दिल खोल के ताली, दिल से ताली। ये 2860 का प्रोडक्ट यूज किया, काम करना स्टार्ट किया और पहली बार पहली मुलाकात हुई, मैं चाहूंगा दिल से एक बार एस ऑफिस के अंदर वेस्टइज ऑफिस फर्स्ट आए, एक बार चाहूंगा सिद्धार्थ सर के लिए, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, ये फोटो बहुत बड़ी है ना छोटी, इसलिए आप देखेंगे पहली मुलाकात सिद्धार्थ सर से ऑफिस में हुई,
और दोस्त वो दिन अच्छी तरह से याद है, प्रीतम भाई भी वहीं थे, ज्वाइनिंग थी, डायमंड लॉज में बैठे हुए थे, ऊपर सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई, पहले ही मिलकर पहले दिन से ही फैन हो गए। और उनके मिलने के बाद उन्होंने, मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा सिद्धार्थ सर का, जिन्होंने पहले दिन मिलने के बाद और विजन क्लियर किया, बिल्कुल समझाया, बताया कि वाकई में आपने पिछले 10 सालों में काम किया है, वेस्टीज में कितनी पोटेंशियल है, वो सर के चेक्स वगैरह सब कुछ देखा। और देखने के बाद उसी दिन सर ने मुलाकात करवाई बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर से, वेस्टीज मैनेजमेंट से। सर ने खुद अंदर ले जाकर और बैठे और मुलाकात कराई। और मैं चाहूंगा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आपने दिल से आपका शुक्रिया, आपने पहले ही दिन मैनेजमेंट से मिलवाया, इसलिए मिलवाया कि 10 साल से मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को यह था सर मेरी कंपनी खुल गई तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन सर ने कहा चलो एक बार बाली सर से मिलवाते हैं। सर ने मिलवाया, मिलवाने के बाद मैंने उनसे जब ये बात कही तो उन्होंने कहा टेंशन मत लेना, खुले तो चले जाना, लेकिन मेरे दोस्त वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ ऐसा वेस्टीज ने किया और ऐसा अप्लाई ने किया और ऐसा सिस्टम डिजाइन किया। तो मैं एक बार चाहूंगा मैनेजमेंट के लिए दोबारा ताली बजा दीजिए यार। पहली इनकम जब काम कर रहा था तो वेस्टीज से मेरी पहली इनकम 85 रुपीज क्या था जी, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद ओके डन, चले गए, काम नहीं किया, वेट कर रहा था रिजल्ट आएगा अच्छा होगा तो मैं काम करूंगा। दूसरे महीने की इनकम क्या थी जी, 31 रुपए, दोनों मिलाकर 116 रुपए। अब एजेंसी पे बैठा था, काम हो रहा था, एक ही बात थी कि बिजनेस करना है, बिजनेस को तरीके से करना है, लेकिन पहले रिजल्ट देखते हैं। अब 2 महीने के बाद मम्मी ने कहा कि 90% रिजल्ट है, वो दवाई दोबारा लेके आओ। उसको सप्लीमेंट का, दवाई का क्या पता था। मैंने दोबारा बोला राज जी से कि वो चाहिए, उसने कहा ठीक है डन। वापिस आए, सिस्टम देखा, काम करना स्टार्ट किया मेरे दोस्त, और पहला चेक जब बना, फर्स्ट चेक जो था 85 रुपीज, दूसरा चेक बना वो 31 रुपए जो आप देख रहे थे। इसके बाद राज जी ने कहा, सभी अप्लाई ने कहा कि सिद्धार्थ सर प्रोग्राम करते हैं, CNT प्रोग्राम करते हैं। पहली बार लोकेश सर और प्रशांत जी से मिलने का मौका मिला, एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दो, इतनी बढ़िया CNT प्लान, इतना बढ़िया CNT प्रोग्राम दिखाया, जो हमारा प्लान चलता है 1 घंटे के अंदर सारी चीज क्लियर करना, टेस्टिमनी देना, ऑर्डर की बहुत जानकारी दी। उस दिन पहली बार लोकेश जी से मिलने का मौका मिला और प्रीतम भाई से। नेक्स्ट आगे चलता हूं कि आप CNT 2012 से लेकर जो सिद्धार्थ सर ने सिस्टम बनाया कि ITO के ऊपर आना, और दोस्त इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से, राजस्थान से, बहुत सारे लोगों को मेट्रो में, गाड़ी में बैठा के CNT अटेंड करने के लिए यहाँ पे आते थे। आज तो हम सेमिनार में, हम CNT अटेंड करने वहां आते थे, वहीं पे CNT होती थी। दिल्ली में बहुत बड़ा कोई सेमिनार नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सिद्धार्थ ने जो सिस्टम बनाया कि लगातार CNT अटेंड करनी है, वो अटेंड करते 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 पहले महीने जब वो दूसरा महीना आया, उसके बाद में जब क्या हुआ, उसके बाद पता लगा ग्लोरिस पार्टनर से बात करी यार, और लाके उसने अपने राज सर ने कि संजय यादव जी ऐसे ऐसे हैं। तो उस समय विवेक सर, 3 महीने के बाद विवेक सर को पता लगा, तो मेरी मुलाकात हुई, उम्र से मिलने आए, कहां पे, वाई रेलवे स्टेशन। तो पहली बार रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, विवेक सर, एक बार बचाऊंगा विवेक जी के लिए, एक बार तुम लोगों ने पहली मुलाकात पिछले ही करते हैं, पहली मुलाकात हुई, उन्होंने देखा, काम करना शुरू किया, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मेरा चेक बना पहला 12,000, जब मैंने काम किया तो 12,516 रुपए का चेक था, ठीक है, ये चेक है मई का। इसके बाद काम स्टार्ट था मई के बाद, फिर चेक बना यहाँ पे, मई के बाद आ जाते हैं जून, ये इसलिए आपसे 12,513, और 12,513 का था तो ये ट्रॉफी, ये मोमेंटो लेने के लिए हम पहुंचे कानपुर, अवार्ड फंक्शन था, अप्लाइंग का फोन आया कि आप आज तो आपको सारा सब कुछ यहीं पे मिल रहा है, अवार्ड फंक्शन यहीं पे, सेमिनार यहीं पे हो रहे हैं, और हम ये सिल्वर की ट्रॉफी लेने के लिए कानपुर। पहले ऐसे फोटो खींच के देती थी कंपनी, बहुत सारे लोगों को याद होगा, आया ना, याद है सर, ये फोटो बनते थे पहले ही स्टेज पे जाते ही, और ये अवार्ड फंक्शन था, मैं और मेरा साथी हम दोनों चले गए अवार्ड फंक्शन के अंदर, रात को डब्बे उसमें ट्रेन में बैठकर, और ट्रेन में क्या था टाइम भी ऐसा था, और जनरल डब्बे में बैठ के जैसे भी हो जैसे भी करके जाना, अप्लाई ने बोला आना तो आना, चले गए जी। पहला प्रोग्राम अटेंड किया, 12,000 का चेक था, दूसरा चेक 16,551, उसके बाद चेक चला गया 16,000 के पास चला गया, तीसरा काम अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा था, 45,359। लेकिन जब ये चेक पड़ रहा था तो अपने आप में कई बार आदमी सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरे से ही हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, 12,000 16,000 45,000, आदमी भी ईगो आ जाता है और बड़ा एटीट्यूड में चलने लग जाता है, अंदाज ही कुछ बदल जाता है उनका चलने का। अब हुआ क्या, 45,000 का चेक चल रहा था तो चलते चलते अपने आप को सिस्टम में आना बंद कर दिया, ITO पे आना बंद कर दिया, ऑफलाइन की बात को मानना बंद कर दिया, चेक बड़ा हो गया है,
अब होना क्या, बहुत सारे लोग भी करते, अक्सर ऐसा होता भी है या ना। आगे चलते, पांचवें महीने का जो चेक था वो चेक सीधा आया यहां पे 961 रुपए का। ताली बजा दो। अब एक बात बताओ, जब 961 रुपए का चेक आया तो खुशी हुई, 961 का चेक है। लेकिन नहीं यार, जब 261 का चेक आया समझ में आया कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ना तो प्लान को समझ रहे हो और ना ही प्रोडक्ट को समझ में आ रहा है। समझना पड़ेगा, प्लान के साथ अच्छे से कनेक्ट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, सबमिशन में रहना पड़ेगा। और दोस्त 261 का चेक के बाद एक ही बात थी ना जो मैं बात कर रहा था कि लोग आते जरूर है लेकिन जब चेक बढ़ जाता है तो फिर वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन उस समय एक बात ठान ली थी, कुछ हो जाए जिंदगी में अगर 45,000 से 961 का चेक आया है तो कुछ ना कुछ खास ऊपर वाला कराना चाहता है मेरे दोस्त, कुछ खास बातें हैं। और उस दिन के बाद, उसके बाद बस यही था सिद्धार्थ सर से, 962 का चेक आने के बाद एक ही बात थी, उसके बाद मिला और एक ही बात बोली कि सर जो कुछ कहोगे वो करने को तैयार है। और उस समय पहली बार, एक बार मैं चाहूंगा सिद्धार्थ सर और चंचल मैम के लिए सबमिट होकर दिल से देखो ताली बजाओ तो अपने अंदर से बजाया करो के अंदर के इंसान को। हाँ सर, जैसे भी है CNT प्रोग्राम रेगुलर, सेमिनार रेगुलर, अब 2 गुना नहीं 10 गुना स्पीड से काम करना है और रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, करके दिखाना है, मेहनत करनी है। अब कोई किंतु परंतु नहीं, ये चेक 962 का जो आया है इसके रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और दोस्त बात को माना, समझा, सबमिट किया, काम किया और काम करते करते 2015-16 तक आपको दिखाता हूं अभी। थैंक यू सो मच। लेकिन कहते हैं अपलाइन की वजह से यार बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें, अगर अपलाइन नहीं होते तो हम नहीं आज यहाँ होते, और कहते हैं माँ बाप नहीं होते तो क्या होता। और यही बात थे सर से बोला, कमिटमेंट ऐसा डन है, ITO नहीं छोड़ूंगा, सेमिनार नहीं छोड़ूंगा, 100 टिकट, 200 टिकट, 500 टिकट, जिस वर्कशॉप में कहोगे आऊंगा। और मेरे दोस्त रियली स्पीड से काम करना स्टार्ट किया, सब जगह से लोगों को लेके आना शुरुआत किया, अगले 6 महीने का रिजल्ट पहुंचा जो आपको बात कर रहा हूं। खूब मेहनत करी यार, खूब दिल से मेहनत करी, हार्डवर्क किया। मार्च 2012, 6 महीने के बाद, 6 महीने बीत चुके थे, 50,000 से 962 पे आ गया था, राइट 1 साल के बाद 6 महीने काम किया और चेक पहुंच गया यहाँ पे 98,168 रुपए का। ये सीधा चेक था, यह करना है 1 लाख का है ना, अपने लिए बजा लो और अच्छे से 1 लाख रुपए का चेक। जब ये चेक पहुंचा तो मारस, अब बात करेंगे इस चेक को पहुंचने के बाद एक टारगेट कि अपलाइन का फोन आया कि एक वर्कशॉप होने जा रही है और दिल्ली ITO को ऊपर अनाउंसमेंट हुआ और सिद्धार्थ सर एक वर्कशॉप करने वाले हैं। उस वर्कशॉप का नाम है SBC सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस। कि सक्सेस बाय चांस नहीं आती है, सक्सेस को लेने के लिए, सफलता लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ जरूरी है। उस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला पहली बार मेरे साथ, बहुत सारे लोग बैठे हुए, मेरी टीम के तकरीबन हम 25 लोग गए वहां पे उस प्रोग्राम में। और आज सारे के सारे 25 के 25 लोग लग्जरी कार अचीवर है, आज जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो ताकत बताता हूं उस इवेंट की, वो पावर बताता हूं उस इवेंट की। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो फर्स्ट टाइम, तकरीबन 80 लोगों का वो इवेंट हुआ और उस इवेंट ने वाकई में लाइफ चेंज कर दी। शिमला का ही वो इवेंट, और शिमला के उस इवेंट से जो सर ने वो प्रोग्राम किया, 3 दिन का वो प्रोग्राम, वाकई में कितना लाइफ चेंजिंग इवेंट था यार, जिंदगी बदल देने वाली ऐसी शिक्षा, ऐसी नॉलेज, इतना सब कुछ मिला, रिलेशन बिल्ड कैसे करना है। उस प्रोग्राम में जाने अनजाने में पहले दिन तो समझ में ही नहीं आया, दूसरे दिन सर बोल रहे थे बार बार कुछ लिखो, विजुअलाइज करो, बार बार बोलो, अफर्मेशन करो। तो जब वो करते करते और वहां कुछ ऐसी चीजें लिखी जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जो दिल से चाहते हो तो वो साथ आपके होता है। ये बहुत सारे लोग, कुछ फोटो यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारे लोग देखेंगे। उसके बाद जिम कॉर्बेट, उसके बाद अभी मसूरी के बाद, उसके बाद चले गए और बिलीफ कैंप होते होते ये देखिए फोटो लगी हुई है, यहाँ बैठे संतोष यादव जी मूछ वाले, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, रिजवान जी भी है, राजू गुप्ता जी आज नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। ये पुरानी फोटो थी, वहां आते वक्त हम सर को ध्यान होगा अच्छे से पार्क में रुके थे, बस वो थी तो सारा एंजॉय। ये बड़ी पुरानी फोटो पड़ी थी जी, आज समझ में आएगी, चलो यार हम सारे के सारे उस प्रोग्राम की देन है, उसकी वजह से सब कुछ हो पाया है। और ये सारे फोटो सक्सेस बाय चॉइस, मामा जी, महेश बिस्वाल जी, ये बहुत सारे लोग हैं जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये फोटो, इसके बाद एक बार चाहूंगा लोकेश जी और सिद्धार्थ सर देखिए एक बार, क्या हैंडसम पर्सन थे गुरुदेव। और देखो ताली बजाओ तो दिल से बजा दिया करो, मैं यही कहता हूँ। ये सब फोटो, कुछ लोग जो ये प्रोग्राम था, नदिया पड़ाव, उसके बाद अभी खुराना साहब यहाँ बैठे हुए,
चोट लगी थी शायद बोल बोल खुराना थी, खुराना जी भी बैठे एक बार खेल रहे थे हम यही थे खेल के अंदर ओके डन। तो ये सारे ये प्रोग्राम अटेंड कर करके आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। क्यों बता रहा हूँ ये एक एक चीज यार सक्सेस बाय चॉइस। इतना प्रोग्राम अटेंड किए जो प्रोग्राम चाहते सबसे पहले एडवांस में टिकट बुक कराना और चलना। तेजेंद्र यहाँ पे गवाह है जो पहली बार 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 बोला गया था उसने कहा चलो घूमने के लिए चलते हैं लेकिन उसके बाद में कितने लोगों को लाइफ में बदलाव आए सारे के सारे लोग यहाँ पे है तो इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ। एक बार मैं चाहूंगा सक्सेस बाय चॉइस ट्रेनिंग के लिए दिल खोल के ताले बजा दो जिन्होंने लाइफ में इतना चेंज किया। ये फोटो रिजवान जी ये और बहुत सारे लोग ये प्रीतम भाई देखिए महेश जी सरवा खड़े हुए झूले के ऊपर एक्टिविटी करा रहे थे नीचे से बड़ा डर लग रहा था जी बहुत परेशान थे क्या करेंगे भाई मरवाएंगे आज तो दोबारा नहीं आएंगे लेकिन क्या था वो डर निकालने के लिए तो था सब कुछ। और ये करते करते ये जीप सवारी ये मान साहब का फोटो देखिए जी पुराना तेजेंद्र राणा जी पीछे बैठे हुए बीच की मांग फाड़े ठीक है ये दिख रहा आपको ये हम थे जी थोड़ी थोड़ी पर्सनलिटी थोड़ी बदलने लगी थी ठीक है ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं तो ये सारा ये इवेंटों की देन है इसकी वजह से कर्ण भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए संतोष यादव जी तेजेंद्र राणा जी या राकेश जी या और बहुत सारे लोग थे ये इवेंट होते होते करते करते एक बार मैं चाहूंगा और मेरा हाईएस्ट है पहुंच गए इसकी वजह से 17,10,000 एक बार ताली अपने लिए नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं अगर ये इवेंट नहीं होते अगर ये वर्कशॉप नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मैं 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 पे घूमता रहता। इन 10.5 सालों में जो हुआ है इस वर्कशॉप की देन है इन इवेंटों की देन है इसमें माहौल में रहना है और यहाँ रहकर आज ये पहुंच गया है इनकम 17,00,000 से ज्यादा की। ये क्या हुआ कैसे हुआ अगर ये इवेंट नहीं होते तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। आज ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोग है जो इवेंट से उस माहौल से अपने आप को हटा लेते हैं और जैसे अपने आप से आउट होते माहौल से जो आउट होता है वो अपने आप को आउट कर लेता है लेकिन मैंने कभी माहौल नहीं छोड़ा। मैंने इस बिजनेस को आने के बाद एक ही बात थी कि टारगेट बनाया 2,09,00,000 रुपए कमाए हैं व्यवस्थित से और अपलाइन के एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज इन 10.5 सालों में 9 करोड़ जैसे इनकम आई। और एक बार चाहूंगा ग्रोथ के लिए सिद्धार्थ सर के लिए और हमारे पूरे इंटायर अपलाइन जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि यार वाकई में अगर कुछ हो रहा है ना तो इस सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना हमेशा उसके बाद देखना आप रिजल्ट। कितने लोग चाहते हैं ऐसी इनकम ईमानदारी से चाहते हैं सर बोलते ना सरस्वती माँ जुबान पे आती है और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ऑफ और शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है बार बार जिसको बोलते हैं वही आपके साथ होता है। चाहते हैं yes. चाहते हैं yes. चाहते हैं yes. एजुकेशन सिस्टम और सिद्धार्थ सर के बनाए हुए पूरे सिस्टम के साथ क्या कि जब आप आएंगे तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं बहुत सारी दिक्कत आती है लेकिन वो सीखते सिखाते करते सब कुछ करते करते पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बना लिया जी। आज सब जगह कश्मीर से कन्याकुमारी कठपुत से काजीरंगा और केरल से कारगिल तक आज टीम खड़ी कर दी। ये पावर है इस सिस्टम की ये पावर है इस एजुकेशन की कि ऐसा हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं जहां सब जगह गए और आज टीम के साथ करते करते बहुत सारे इवेंट बहुत सारे आप देखने लग रहे हैं इवेंट उसके बाद करते करते अभी शिमला उसके बाद मसूरी देहरादून ये सब फोटो ये इवेंट ये लाइफस्टाइल ये ट्रांसफॉर्मिंग ये जो बदलाव लाइफ में आए हैं। एक बार मैं चाहूंगा राजपूत जी बैठे ऊंट के ऊपर ये कुछ अच्छे लग रहे कितने लोग चाहते हैं ऐसा घूमना ऐसा आप जाना ये वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप इतना सब कुछ एक साथ ये सारी चीजें ये घूमने का मौका मिलता है। देखो यार वही आदमी जो चूसा हुआ आम की तरह लगता था आज पर्सनलिटी कुछ और हो गई है आया ना ये देखते हैं आप और ये इतना सारा सब कुछ हो पा रहा है। अगर वेस्टीज में नहीं होता तो मैं भी वैसा ही रहता और आज और ये स्टेज तक आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आज इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना अपने आप को देखना कि आज कितने लोग हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था यार इस तरह की पर्सनलिटी हो जाएगी इस तरह कभी हम भी ऐसे हैंडसम लगेंगे उस तरह कभी जाने का मौका मिलेगा। ये बहुत सारे इवेंट करते 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 और आज अच्छा लग रहा है मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बढ़िया फोटो बड़े बड़े लग रहे हैं तू पहली बार दिखाई दे रहा है इतने फोटो ठीक है बजाओ तो अच्छे से बजाओ भाई रियली दिल से है। और ये वेस्टीज ही है वेस्टीज की वजह से मिल पा रहा है। आप डॉक्टर है इंजीनियर है आप जो भी आपके पास यहाँ पे है नॉलेज है डिग्री है पैसा है लेकिन दोस्त वेस्टीज में सिर्फ 2,860 रुपए से शुरुआत करके
अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को मानकर ये सब कुछ किया और पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला, हर जगह जाने का मौका मिला, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने का मौका मिला, चाहे मुंबई है और चाहे कहीं भी है, कश्मीर है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार ऐसी फोटो कभी आएगी यार, ऐसे लाइफ स्टाइल कभी होगी यार। ये खेती चली गई, ये दोबारा लगवाऊंगा, टेंशन नहीं है यार। एक ने बोला राजपूत जी ने एग्री 82 लगा लो, मैंने कहा राजपूत जी लगवाओ आप एग्री 82, ठीक है। अरे हम भी अच्छे लग रहे हैं यार, थोड़ा कभी पहनने का पता नहीं होता यार, अरे जूते कैसे पहनने, पैंट कैसी पहननी है, कॉम्बिनेशन पता ही नहीं था। ये तो वेस्टेज में आने के बाद और ये सिस्टम में आने के बाद समझ में आया कि वाकई में यार लाइफ स्टाइल है तो होता क्या है। ऐसे फोटो यार आ रहे, वाह गजब, जैसा लो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि यार ऐसे स्टेज के ऊपर हमारे यार ड्रीम में आके जाना यार, जिंदगी में आज सोच के जाना कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी फोटो यार हमारे वादे की यार, ये सारी चीजें मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये जिंदगी में अगर वेस्टेज नहीं होता, लोग कहते कैसे हुआ, ट्रिक से नहीं हुआ, टेक्निक से हुआ, टेक्निक से, और ये टेक्निक काम करती है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए और चले गए, ठीक है, बहुत सारे समझदार लोग आते हैं, लेकिन मेरे भाई इतने समझदार भी मत बनना, बुरा मत मानना, गलत नहीं कर रहा किसी को, मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना। एक बार एक व्यक्ति था, कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, किसी की सुनता ही नहीं था, सिर्फ अपने आप की सुनता था। सबसे समझदार कौन, मैं, सबसे ज्यादा नॉलेज किसको, मेरे को, देश दुनिया के बारे में किसको पता, मेरे को पता है। उसका एक बचपन का दोस्त था, पांचवी फेल, गांव का आदमी, राजपूत, डीसी राजपूत जी जैसा एक पढ़ा लिखा इंसान, बड़ा इंटेलिजेंट। देखो पढ़ाई लिखाई की मैं बुराई नहीं कर रहा, पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, आया ना, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। राजपूत जी का दोस्त, उन दोनों में शर्त लग गई कि आपको ज्यादा नॉलेज है, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, दोनों ने शर्त लगाई। और जैसे शर्त लगी दोनों में, तो उन्होंने कहा, वो डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, कुछ भी समझ लो उसको, जो ज्यादा एजुकेटेड था, उसने कहा राजपूत जी ये बताओ, दोनों में शर्त लगी कि भाई ये बताओ अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो पैसे कितने। तो राजपूत जी बोले भाई मेरी तो औकात 5 रुपए की है, मैं तो 5 रुपए दे सकता हूं। और वो जो पढ़ा लिखा इंसान था उसने कहा मेरी औकात 100 रुपए की है, अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं। उसने कहा डन, मामला तय। सारा गांव सामने बैठा हुआ था, अब गांव के सामने सवाल होने लगे। राजपूत जी से पूछा गया उस एजुकेटेड इंसान ने कि एक बात बताओ हमारा देश आजाद कब हुआ, तो डीसी राजपूत जी जैसे इंसान ने कहा मेरे को नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। दूसरा सवाल किया कि ये बताओ हमारा देश जब आजाद हुआ था तो आजाद कराने वाले मुख्य लोग कौन कौन थे, उसने कहा नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। तीसरा सवाल किया कि भाई हमारे देश में 1857 का युद्ध हुआ, क्रांति हुई, क्या कारण था, उसने कहा इसको भी नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। तीनों सवाल, गांव वाले बोले भाई पागल क्यों बना रहा है, फायदा क्या है, हम हमारे को पता आपको कुछ नहीं पता, सवाल करो। ए राजपूत जी ने कहा एक सवाल करूंगा बस, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, जो भी कोई है, एक ऐसे पक्षी का नाम बता दे, 15 रुपए तो हार चुका हूं मैं, एक ऐसे पक्षी का नाम बता जिसका एक पैर आसमान में रहता हो दूसरा जमीन में। और वो इंसान चक्कर में पड़ गया, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, कोरिया, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, सब पढ़ के आया, लेकिन आज तक उस पक्षी का नाम कई कई किताबों में नहीं पढ़ा। तो उसने कहा बताओ, गांव वाले बोले बताओ बताओ, अब उसने कहा नहीं पता, ना बताने के कितने देने थे, 100 रुपए, 100 रुपए दे दिए, जेब में डालिए डीसी राजपूत जी ने, गांव वालों ने कंधे पे बैठाया, ढोल बजाए, ढोल बजाए और ढोल नगाड़े बज रहे, वाह राजपूत जी ग्रेट, कमाल है, डन, बहुत बढ़िया। और पीछे से आकर उस इंसान ने राजपूत जी के कंधे पे हाथ रखा, उससे पूछा उस पक्षी का नाम तो बता दे, उसने कहा नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाला। हेलो, सो प्लीज स्टार्ट टू सेड, ना बताने के कितने देने थे, कितने देने थे, 5 रुपए। अरे दिमाग काहे का लगाना था राजपूत जी को यार, 5 रुपए। अरे गांव का अनपढ़ आदमी, अवार्ड गल अल्लाह आदमी 80 रुपए जीत कर चला गया, फिर लोगों को समझ में नहीं आया। अरे मेरे दोस्त, चाय आप भी पीते, चाय मैं भी पीता हूँ, आपकी चाय के अंदर चम्मच और कप निकलते हैं, मेरी चाय में कश्मीर और जगवार निकलते हैं, ये फर्क इस बात का है, फर्क इस बात का है, बस इस बात का फर्क कर लेना और ये समझ लेना कि यार वाकई में इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि घर का खर्चा करना है, सामान यूज करना है, अगर सामान यूज करने से अगर ऐसी लाइफ स्टाइल बन जाए और ऐसे लोग देखे तो कर लेना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हाँ या ना, कर सकते हैं, तैयार है, थोड़ा सा और आगे, ये हाँ, कमाल है यार।
लौटने में कमी नहीं है भाई, खेती गई है भले ही, दोबारा आएगी सर वाली बात विजुअलाइज कर, जल्दी आएगी, बनेगा इस बार और बढ़िया आएगी, बहुत ग्रेट। ऐसे फोटो जिंदगी में सोचा नहीं था यार कि ऐसे भी होगा यार। और ये सारे टूर, ये सारे मैंने तो कहा कभी ससुराल में तो बढ़िया घोड़ी तो ऐसी भी नहीं मिली, जैसी अभी दिखाई दे रही है, ये माउंट आबू हो गए ग्रेट। उसके बाद भाई उत्तराखंड के ट्रिप है, क्या मजा, कभी देखा नहीं था इस टाइप। जो भी बात कर रहा हूँ मनाली का यार, अभी देखिए यार, लेके चलो मजा आ जाता है यार। कितने लोग घूमना चाहते हैं दोबारा पूछ रहा हूँ, रियली ये बेस्ट चीज है वैसे, इसलिए करना है, इसलिए चाहते हैं करेंगे, मानेंगे, सेमिनार में आएंगे, थाईलैंड क्वालिफाई करेंगे। या कुछ लोग जो पहली बार आए होंगे सोच रहे होंगे 2860 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, गंजा सा आदमी है। हाँ बिल्कुल हूँ भाई, और आज देखिए ये सारी चीजें, अरे कहां से हो पाया, क्या हो पाया, कैसे हो पाया, मैंने दोबारा बोला सिस्टम की वजह से हो पाया है ना, तो ऐसी पर्सनलिटी कहां बनती यार। कौन जानता था इन 10.5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला है, सब जगह गए हैं और बहुत फ्रीडम है। लोग कहते हैं काम कब करते हो, इंजॉय करते हो, बिल्कुल यार ये काम ही क्या है, इंजॉय करते करते काम कर रहे हैं, इंजॉय करते करते काम कर रहे हैं यार। कभी सोचा नहीं था यार, मैंने कहा यार कपड़े पहनने का लोगों को नहीं पता था, अब मेरे को तो कि कैसे क्या है, लेकिन वाकई में आने के बाद वेस्टीज ने जो पर्सनलिटी बना दी, जो बदलाव कर दिया, अरे बंदूकधारी हो रहा है भाई, भाई। बजारो, 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 बजारो। हाँ। तो इस तरह के ये सारी चीजें भाई तभी हो पाया है। और बहुत सारे लोग, देखो मैं आपको ये कहना चाहूंगा यार, वो आपके साथ बहुत लोग आएंगे, हमारे बीच में वन क्लास ऑफिसर बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब यहाँ पे अभी सूरजबान जी, सूरजबान जी बैठे यहाँ पे। लोग कहते हैं हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं होते, लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं वाटर प्यूरिफायर नहीं बिकते जी, सूरजबान जी बैठे हुए हैं जी, एसडीएम दिल्ली से ही, उनका 105 एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर दिया, 105 एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर अभी बैठे यहाँ पे मीटिंग में, वो खड़े पूरे, तो भाई 105 का ऑर्डर अभी कह रहा हूँ। लोग कहते हैं काम नहीं होता, काम होता है और काम होगा, लेकिन भाई दिखाऊंगा, अगर ये सारी चीजें आप चाहते हो ना दिल से यार, गया लाइफ में आप बहुत कुछ चाहते हो बने, देखो मैं तो आज कह रहा हूँ दिल से यार, इतना शौक था गाड़ियों का, घूमने का, और मैं तो इसकी वजह से यार वेस्टीज के अंदर अभी कहीं जैसलमेर, जयपुर, इतनी जगह है, मैं कई बार अपने आप को देखता हूँ कि रियली पुरानी चीजों को उठाकर देखता हूँ कि वेस्टीज में 10.5 सालों में कितना बदलाव आ गया यार, कितना कुछ बदल गया, कभी सोचा नहीं था यार। ये फिर बार बार वही पर्सनलिटी, वही कश्मीर, ये सब चीजें, एक एक जगह जाना इस तरह का, एक बार ताली तो यार आपके लिए, आपके लिए बजा लो मेरे लिए, रणथंभौर, नैनीताल, तेरी, पुष्कर, ठीक है, एस्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको यार, कि ये लिखना शुरू किया, सब कुछ हुआ उसके बाद का कारण एक ही था यार, सपना बनाया था उस समय, पीछे बैठे थे और पीछे बैठकर लिखना स्टार्ट किया, ऐसे ही लिखा था यार, और ऐसे ही लिखा था कि चलो यार 2 साल के अंदर गाड़ी आएगी, गाड़ी लेके आऊंगा, ठीक है, टारगेट बनाया था। तो पहली कार जो मैं आपको बता रहा हूँ, लग्जरी कार का भी सपना बनाया उस समय, लिखा, स्क्रिप्ट राइटिंग करी, विजुअलाइज किया, पावर को समझा, लिखना शुरू किया, हर रोज विजुलाइज करना शुरू किया, सेल्फ टॉक करनी शुरू करी, जैसे सर बार बार बोलते उस मूड में रहना शुरू किया, और वो करने के बाद ये मेरी पहली कार आई, 5.5-6 लाख रुपए की ली थी मैंने, लेकिन उस समय भी कोई ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थी, देखो कैसे लग रहे थे, कोई खास नहीं था। उसके बाद देखो जी दूसरा थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया जी, अचीवमेंट आई, मैं ताली तो बजा दो गाड़ियों के बारे में दिखा रहा हूँ, ये आपकी भी आएगी, जितनी जोर से बजेगी उतनी जोर से आपकी आएगी, या ये बेटे की, फिर ये तीसरी आ गई, आगे आ गई, चौथी आ गई, और ये 2 साल 3 महीने के अंदर ये होड़ी आ गई। और जब चाहते हैं आप भी लग्जरी कार चाहते हैं, ओके होड़ी, ये देखिए फोटो यार, ये लम्हा उस दिन याद, हमेशा याद रहता है, पहली बार सर को एक बार बोला, बोलते ही सर कब की डिलीवरी है, मैंने कहा 27 तारीख, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट इन माई लाइफ 27, बस ने कहा खास बात है 27 तारीख है, और दोस्त मेरे लोन नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात, ट्रैक्टर की एजेंसी, वैसे लोन और लोन, पहले के लोन पैसे थे नहीं, इस गाड़ी को कैश में उठाया, ये पावर थी सिद्धार्थ सर की, ये पावर थी कंपनी की, ये कैश में गाड़ी उठाई, और ये आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूं। ये देखिए संतोष जी है, राज मोहम्मद जी है, धर्मेंद्र मान जी है, मान साहब का पेट नहीं था उस समय, ठीक ठाक थे देखो अभी, ठीक है, तो हाँ अब भी पेट नहीं है कहने का मतलब, तो हाँ ये जितने फोटो दिख, देव साहब, ये संतोष जी, देखो आपको मुझ कटा ली तो वैसे थोड़ा ठीक ठाक, ये पुरानी जो चीज है, वहां कसम आपको हो गया यार, ये लम्हा, ये गाड़ी मैंने उस दिन ली थी, इतना सपना बना था, मैं राजीव शर्मा जी बैठे हुए यहाँ पे, राजीव शर्मा जी ने कहा संजय मौका है बस कर दे काम,
इससे बढ़िया गाड़ी मिलने वाली नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ हो जाए, आपने बोल दिया सर, बोल दिया, थैंक यू सो मच सर जो आपने कहा। और उसने कहा फाइनल सर डन, और ये गाड़ी लेके आया, कार लेके आया 8 साल पहले। भाई 3 लाख किलोमीटर चलाती है, 3 लाख ये ओडी। भाई छोटे बुक्की की तरह यूज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, गाँव हो शहर हो कहीं भी जाना हो तो ये कार आपकी भी आ सकती है, आपकी भी आएगी यार। ये सारी चीजें ये 27 लोगों ने नंबर, मैंने कहा यार मैं आया डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें सारा 27 27 27, बहुत सारी चीजें मेरी इससे जुड़ी हुई है, तो बड़ा थोड़ी थोड़ी पर्सनलिटी बदलती चली गई भाई, अचीवमेंट। उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद नेक्स्ट आगे, उसके बाद ये देखो जगुआर, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं, चाहते हैं, बोलना शुरू करो, चाहते हैं, चाहिए, आएगी यार एक दिन आएगी। कार नहीं हाहाकार है, और इस कार को ले वही था, सर की ब्लेसिंग थी, प्यार था, मोहब्बत थी, और इस प्यार मोहब्बत में 1 करोड़ की गाड़ी। यार सोचा देखो यार, एक आदमी, एक आम आदमी, स्कूटर में पेट्रोल का पैसा नहीं होता था यार, किस्त नहीं जाती थी, वो टाइम अच्छे से याद है, राज मोहम्मद जी बैठे हुए हैं, कुछ बचा कुचा जेवर था मैडम का मुथुट फाइनेंस के अंदर, राज जी याद है। राज जी ने कहा भाई क्या करे, मैंने कहा राज जी कंपनी बंद हो गई यार, पैसा नहीं है बिल्कुल भी, फीस का नहीं है यार, जो कुछ हो। राज मोहम्मद जी और मैंने दोनों ने मैडम के जो जो कुछ बचे होते 50,000 के, मैंने कहा कर दो यार, रख दो यार, देखी जाएगी, पहले काम चलाना है यार। लेकिन वाकई में आपको सलूट करता हूँ सर, अगर वैसे नहीं मिला होता, ये सिस्टम नहीं मिला होता, तो माँ का समाज इतना अरबपति या इतना करोड़पति मैं भी नहीं बन पाता यार। ये पावर सिस्टम की है यार, कहाँ से कहाँ चलाता, कितनी कितना कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, इतना अपने आप को इतना इन 10.5 सालों में जो बात कर रहा हूँ आपसे। ये यार ये सारी चीजें होती चली गई, और ये फोटो, ये जगुआर, ये ओडी, ये सब देखो, ताली रुकनी नहीं चाहिए, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उतनी सर्दी भी कम हो जाएगी, और जितने ज्यादा ताली होगी पैसे भी आपके पास उतने ही आएंगे। ये सब फोटो करते 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 मजा आ गया, मैंने कहा यार लाइफ में आगे। ये बेटे ने ले ली कोई, अभी अपने साथ ही बिजनेस में एमबीए करने के बाद एक ही बात थी यार, बिजनेस करना मार्केटिंग से, इसके बाद में साथ ही वर्सेस के अंदर 70,000 का पे आउट भी हो गया, ओके डन, बहुत बढ़िया, अपनी कार चाहिए। वो शिवम भाई बोलते हैं ना एक बात, सारे के सारे बोले यार कार, बोले ये अपने आप की है, वो मेरे बाप की है, तो भाई अपने आप की चाहिए भाई, तो जिसको अपने आप की चाहिए वो आज अपने साथ काम कर लेना। ये संदेश दिए, मैं उस दिन था भी नहीं, गुरुग्राम में हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, गुरुग्राम में, मैंने कहा गाड़ी, मैंने कहा ले ले भाई डिलीवरी अपनी, सोमेश जी थे वहां पे, सोमेश जी चले गए जी वहां पे, मैंने कहा नहीं यार पहले प्रायोरिटी, पहले वो मीटिंग है, पहले मीटिंग जरूरी है, जो सर वाली बात है, पहले एक मीटिंग है भाई, उसके बाद आती रहेगी गाड़ी, डिलीवरी है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं यही था, चलते 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 स्कॉर्पियो, उसके बाद चलते 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 दूसरी गाड़ी नेक्सॉन, उसके बाद चलते चलते, ताली बजाओ तो बजा लो यार, आप कहोगे कलेक्शन जैसे सर बता रहे थे अभी। इन 9 सालों, इन 10 सालों में हर साल गाड़ी ले लेता हूं। अब ये मैं आपको ये नहीं करा कि आप लो यार, लेकिन बड़ा शौक है यार, ठीक है, गाड़ियों का, घूमने का, बहुत जगह जाने का, कि ये सब कुछ लाइफ में शुरुआत में ये चाहता था यार, और ऐसे ही बिजनेस मिला, ऐसे नौकरी नहीं करना चाहता था। पिताजी को देखा था यार 1 तारीख को अमीर, 15 को गरीब होते हुए नौकरी में, मेरे सारा चाचा था वो सरकारी नौकरी में देखा था मैंने, लेकिन ये ऊपर वाले ने था कि जिसको चाह शिद्दत से वो हुआ, ये प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, जैसे गिरी जी गए थे, घर बनाया, बढ़िया घर बनाया, आज कई गाड़ियां खड़ी हो जाती है, कई मंजिल का घर बना लिया है, साथ में प्रॉपर्टी परचेज करी है। ये सिस्टम नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता, तो मां कसम ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है, 85 रुपए का चेक आया था, दूसरा चेक 31 रुपए का था, काम नहीं था, और आज ये नीमराना में, भिवाड़ी में, दिल्ली में, ठीक है, ककरोला, उसके बाद गुड़गावा, और अभी आप ये कहोगे करते करते अभी प्रॉपर्टी और भी, लैंड भी ली है, प्लॉट प्लॉट भी ली है, ये व्यवस्थित से हो पाया है, ठीक है, फरुख नगर के अंदर लिया, हुडा सेक्टर कोसली के अंदर लिया, हेली मंडी अपनी पटौदी के अंदर लिया, ये सब कुछ हो पाया। मैंने कहा सिस्टम, सिस्टम से बना रहा तो ही हो पाया है, और अभी एक रामनगर में एक रिजोर्ट की जगह ली है, एक दिन जल्दी आप लोगों के साथ, छोटा भले ही छोटा है, भले ही छोटा है, भले ही छोटा है, लेकिन नैनीताल, सिद्धार्थ सर भी बार बार बोलते जब देखते जब नैनीताल ही रहता है, मैंने कहा गुरु जी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो भाई ये सारी चीजें कहाँ हो पाई, होता ही नहीं यार, और ये सब कुछ हो पाया। अगर मैं इस सिस्टम में नहीं होता, सर के साथ नहीं होता, तो नहीं कर पाता यार। और आप भी चाहते, कितने लोग चाहते हैं लाइफ में यार ये सारी चीजें हमारी, ईमानदार से दोनों हाथ चाहते हैं, ओके शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ड्रीम्स कम ट्रू। क्या कि मैं 17 फॉरेन ट्रिप, कितने लोग फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं भाई, पासपोर्ट नहीं बनवाया था, पहली बार पासपोर्ट बनवाया था मैंने, अभी जो थाईलैंड आ रहे हैं बार बार बोल रहे हैं, पहली बार पासपोर्ट फर्स्ट,
ये फोरल ट्रिप 2012 में आने के बाद ये पहला है। पीछे डबराल जी खड़े हुए यहाँ पे, रिजवान जी आज नहीं हमारे बीच में, साथ में मनोज कुमार जी है। एक बार चाहूंगा बाली साहब, प्रशांत भाई, ये फोटो ऊपर से, ये चाइना, कितने फोरन ट्रिप, एशिया और यूरोप के ट्रिप, 17 कंट्री जाने का, देशों में जाने का मौका मिला है चाइना। देखिए आप ये सारे के सारे, यार क्या कम थोड़ी लग रहे हैं यार, हम किसी से कम नहीं है। देखो ये सामने चश्मा, मेरे और गिरीजी में कोई कमर अंतर नहीं है, दोनों के बाल साफ है, फर्क पड़ा, ठीक है, बराबर है जी। ये राकेश जी साथ में अपने, और मनोज भाई, अभी सतपाल धाना जी, ये तेजेंद्र पाल राणा जी, वापिस करना भाई एक बार, देखो तेजेंद्र राणा जी की मांगे देखो, पहले बीच की मांग निकालते थे, वेस्ट इंडीज में आगे सुधर गए, थोड़े ठीक ठाक होने लगे, तो ये देखो जी। तो एक बार मैं, हाँ ये सारे की सारी जो पुरानी चीजें, ओके ये सीन, और एक बार ये सीन देखो भाई, अरे ताली बजाओ सर के लिए, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। आप चाहते हैं, आप ही चाहते हैं, yes. ओके, ये सारा लोकेश भाई, राजीव जी, गिरी जी, राजू जी, बहुत सारे लोग, और ये अभी देखो आप डबराल जी, फिर ये फोटो, ऐसी लाइफ कहाँ यार, कहाँ देखी थी। ये देखो इसमें संतोष भाई क्या हुआ, देखो गिरी जी के मुंह फटा रह गया, पता नहीं अंदर कुछ और तो नहीं है। बाकी वहाँ मजा ही अलग है जी, वहाँ के जो सारी चीजें दिख रही थी। ये देखिए राज जी, विवेक सर साथ में, मनोज जी, 5-7 स्टार होटल में, यार जिंदगी में सोचा नहीं था कहीं जाएंगे यार, इतनी कंट्री जाने का मौका मिलेगा, कहीं चले जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं यार, ये सारा सब कुछ एक बार, सिद्धार्थ जी देखिए हमारे कितने ऐसे ऐसे, वाह, और इतनी लंबी लंबी गाड़ियां कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, और ये सारी की सारी वापिस, ये सारा टर्की गार सब अवधेश, ये बहुत सारे, महेश विश्वाल जी, कर्ण भाई सब यहाँ पे। मैं एक फोटो, हाँ नेक्स्ट आगे, मैं एक आपको दिखाना चाहूंगा, अभी वापस में जो कर रहा था, मैं क्यों कह रहा था, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, एक बार ताली बजा दो इस फोटो के लिए। आप सोच कर देखिए यार, आपके शहर का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाला, मां कसम बात नहीं करता, कई बार हाथ नहीं मिलाता है ना, मिलने के लिए टाइम नहीं देता, 1 करोड़ रेगुलर महीने की इनकम कमाने वाला इंसान आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, जिंदगी में जो चाहिए हो कर, तरक्की कर, कुछ कर, कैसे भी कर। ये बात अगर आप चाहते हो कि यार लाइफ में, यार सोचिए, अगर आप भी ये वेस्टिस के अंदर आने के बाद, या सीनियर, या इतने हम्बल, या इस तरह का कल्चर, ये सब कुछ डेवलप है। और दोस्त मैं तो बार बार आपको एक ही बात बोलूंगा यार, मेरे को बहुत कुछ दिया वेस्टिस ने, और आपके पास भी सब कुछ है, बहुत सारे आ सकते हैं, बट ये इतनी सारी चीजें देखी नहीं थी जो आज आपको दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं कि ये बिजनेस नहीं है, ये वाकई में दुनिया का 8वां अजूबा है, अगर इसको कोई समझ ले तो। क्रूज का ट्रिप था, बहुत सारी चीजें, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ये क्रूज के ट्रिप में मैं, मैडम साथ, फैमिली, फादर भी गए थे, सिस्टर भी, मदर भी, सॉरी बेटे को भी लेके गया था, फरारी वर्ल्ड और चीजें, ये इस तरह का फोटो, ये देखो क्या मजा था यार ये सारी चीजों का। और ये चलते 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 नेक्स्ट आगे सर, हाँ अब आपसे बात करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे, क्या वेस्टिस करना चाहिए, yes! आवाज कमाई करना चाहिए, yes! करना चाहिए, yes! अच्छा कितने लोग फैमिली से प्यार करते हैं, करते हैं अपनी फैमिली से, अपनी अपनी से, अपनी करते हैं प्यार, yes! अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, yes! हर आदमी अपने देश से प्यार करता है, फैमिली से प्यार करता है, अपने आप से प्यार करता है। रियली जब ये सम्मान मिलता है ना, तो कई बार अपने आप को देखता हूँ यार, वाकई में दिल में सोचा नहीं यार जिंदगी। एक कहानी सुनाना चाहूंगा इसके ऊपर, सुनना चाहोगे? हर आदमी अपने आप से प्यार करता है, वो चाहता है, दिल से चाहता है, अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने सपनों से प्यार करता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो हिंदुस्तान में आया, एक अंग्रेज था, गोरा इंसान था, फॉरनर था, हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में जब आया तो उसको एक ऐसे दिल्ली जैसे शहर में आ गया, आईटीओ के ऊपर। वहां एक व्यक्ति, वो एयरपोर्ट से आया, टैक्सी में बैठा और आईटीओ पे आ गया। जब आईटीओ पे आया तो वहां पे एक फलों का कोई फ्रूट विक्रेता था, उसने फल लगा रखे थे रेडी के ऊपर, फ्रूट बेच रहा था, फल बेच रहा था। उसको भूख लगी, अब जो फल बेच रहा था उसको बेचारा को इंग्लिश टूटी फूटी आती थी, कब आती थी, ऐसा ही जवाब देना आता था। तो उसने कहा चलो भी देखते, उससे उसके पास गए, उस फॉरनर ने, उस अंग्रेज ने, उस गोरे इंसान ने उससे पूछा, सामने केले रखे हुए थे, तो उससे पूछा हेलो व्हाट इज दिस, तो उसने कहा दिस इज ए बनाना। तो उसने कहा ठीक है भाई दे दे भाई। वो बनाना लेने लगे, तो लेने के बाद कहने लगा भाई आपके यहाँ पे छोटे छोटे बनाना मिलते हैं, हमारे देश में बड़े बड़े बनाना मिलते हैं। तो उसने कहा ये अपने देश की बड़ाई कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा हेलो व्हाट इज दिस, तो सामने मैंगो रखे हुए थे। तो उसने कहा दिस इज ए मैंगो,
तो उसने कहा ये मैंगो तो छोटे छोटे, हमारे देश में बड़े बड़े मैंगो मिलते हैं। उसने कहा ये तो फिर अपने देश की बढ़ाई कर रहा है। वो अंदर गया गोडाउन में, और गोडाउन में जाने के बाद वो बड़ा सा तरबूज लेके आया। हेलो बेटा, तरबूज समझ गए? तो उसने वो आके रख दिया। तो उसने पूछा हेलो व्हाट इज दिस? उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा दिस इज अंगूर। जब उसने कहा कि दिस इज अंगूर, उसने कहा आपके देश में ऐसे अंगूर मिलते हैं, हमारे देश में छोटे छोटे अंगूर मिलते हैं। उसने कहा आया हूं पहाड़ के नीचे, तब से बोल रहा था। उसने कहा दो मिनट रुक, अपना शटर डाउन किया, चल गांव में घुमाता हूं। और हापुड़ में चला गया कुलदीप जी के गांव। अब जैसे गांव चला गया तो कुलदीप आगे आगे और वो पीछे पीछे। तो आगे से गाय आ रखी थी, गाय गाय समझते ना काऊ। तो गाय के उसने पूछा हेलो व्हाट इज दिस? दिस इज अ काऊ। तो उसने कहा ये काऊ तो छोटी छोटी, हमारे वहां तो बड़ी बड़ी मिलती है। उसने कहा दो मिनट रुक, आगे और गाय आ रखी थी, आने लग रही थी। तो गाय के गले में वो था पाया, पाया खुट्टा, मानसा वाली बात खुट्टा, जो आगे चलते हैं ना वो तो थोड़ा लगता है, दौड़ती है। तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा। तो उसने कहा हेलो व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस इज अ काऊ स्पीड ब्रेकर। या तो गायों को भी स्पीड ब्रेकर है, या तो वहां तो रोडों पे नहीं होते अमेरिका में लंदन वहां पे, या तो स्पीड ब्रेकर गायों के भी है। उसने कहा रुक थोड़ी देर, आगे चला गया गांव में झोड़ में ले गया तालाब में। और जैसे गांव गांव के झोड़ और तालाब में जहां भैंस और गाय नहाती है। हेलो, उस अंग्रेज ने पूछा हेलो कुलदीप भाई व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस इज ए बैफेलो बाथरूम। उसने कहा भाई आपके यहां तो भैंसों के गायों के बाथरूम इतने हैं, इंसानों के कितने हो गए? माँ कसम आप नंबर वन, आपका हिंदुस्तान नंबर वन, वेस्टीज नंबर वन, ग्रोथ नंबर वन, आपके फ्लाइंग नंबर वन, आपका सब कुछ नंबर वन, आपका तो हर चीज नंबर वन है। तो मेरे भाई अपने आप से प्यार करते हैं, सुन नहीं सकते? वेस्टीज नंबर, वेस्टीज नंबर, वेस्टीज नंबर, ग्रोथ नंबर, ग्रोथ नंबर, सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर, दिल खोल के ताली बजा दो अपने यार, दिल से यार। ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान, ये दिल से प्यार मोहब्बत, ये इतना कहाँ मिलता है? ये आप जो मिल पा रहा आज ऐसा सम्मान, इतना बड़ी बड़ी स्टेज, इतने अवार्ड फंक्शन, ये सारी लाइफ, ये सब कुछ यार, मैं तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार कि इस तरह की जो अभी बातें होने लग रही थी, कि ये जो चल रहा था, कभी ऐसे फोटो खींचने का मौका मिलेगा, कभी ऐसे भी देखने का मौका मिलेगा, कभी इस तरह की एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा अपने आप को, कभी इस तरह जो फोटो चल रही है। अब ये बड़ा आदमी को कई बार कहते हैं जब देखते हैं बार बार कि इस तरह गाड़ी आएगी, ये आएगा, कहीं बैठेंगे, कहीं जाएंगे, किस तरह की ये लाइफ स्टाइल होगी, ये सब, ये फोटो आपको बहुत दिखाए अभी। बजा दो एक बार अपने लिए, अपने लिए। और भाई ये मिल जाते हैं तो होते रहते हैं लोग। और अभी मुंबई, ये देखो मैंने कहा यार मैं तो कई बार अपने आप को सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ ये मैं ही हूँ क्या, और ये मेरा ही फोटो है क्या यार। तो ये सारा सब कुछ हो पा रहा है इसकी वजह से। और अभी केदारनाथ गया तो मैं कई बार सोचता हूँ, मान साहब उस दिन बात कर रहे थे कि वगैरह, हाँ सर मैं भी होके आया हूँ, तो अभी सब जगह जाने का मौका मिलता है यार, ये सारी चीज़ें इंजॉय फन। और नेक्स्ट जो टारगेट है भाई, अभी जो बात कर रहा हूँ कि आज अभी टारगेट है मार्च 2023, 30 लाख चाहे कुछ हो जाए 30 लाख करके रहेंगे आप। और ये 30 लाख का टारगेट 2023 आपकी प्यार, आपके ब्लेसिंग और थाईलैंड जो बार बार बोला जा रहा है, ठीक है, थाईलैंड डबल कर रहा है, तैयार है? थाईलैंड, 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 इनकम, 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 ज्वाइनिंग, 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 पीवी, पीवी, पीवी। और ये नेक्स्ट कार बड़ा, मैं हर बार बोलते जब ये बात हो रही थी, और नेक्स्ट कार लेने जा रहा हूँ गुरु जी की कृपा से, और जल्दी ब्लेसिंग से नेक्स्ट कार आ रही है आज के 7 दिन के बाद। ODA4 जो अभी कुलदीप जी ने ली है, ये भी January 15 को ले रहा हूँ। मेरी मैडम का बर्थडे है, मैडम का बर्थडे है, और अभी 7 दिन के बाद ये गाड़ी परचेज कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी तीसरी चौथी हमें लग्जरी कार, 10वीं कार ले रहा हूँ। दोस्त बड़ा शौक है यार, इस दुनिया से जाने से पहले एक ही टारगेट था कि 7 दिन अलग अलग गाड़ी से जाऊं। आज अलग अलग 7 जोड़ी कपड़े, कोट पैंट, जूते, घड़ियां, कलेक्शन बहुत कुछ लिया, इस इंडस्ट्री ने दिया, इस सिस्टम ने दिया। और ऐसे ही बोलता हूं यार कि लाइफ में चाहिए ना, मरने से पहले माँ कसम अगर यमराज भी आ जाए ना कि बेटा ऊपर चल, पहले चौपर दिला दे फिर जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। माँ कसम जिंदगी में ये टारगेट करना है, करना है, चाहे कुछ हो जाए।
और यही अभी रेड कलर बड़ी प्यारी है यार, लाल कलर की गाड़ी हो बीच में बैठी अपनी वाली लाड़ी हो तो मजा कुछ अलग ही है यार। और सब लोग यहाँ हैं तो मैं बस यही कहूंगा ये भी 7 दिन के बाद इस कार का सर हमारे साथ होंगे और ये नेक्स्ट टारगेट है। तो भाई ये सपने को पूरा करना है यार, आज गाड़ियां आई आया खूब घुमा फिरा लेकिन ये ड्रीम बता रहा हूँ करना है पूरा इस सपने को। वो कोविड आ गया बीच में 2 साल चले गए, कोई नहीं सर वाली बात है, दोबारा छक्का लगाएंगे और 2 साल 4 साल के बाद लेंगे, लेकिन लेंगे 100% लेंगे। वैसी के चौपर से मीटिंग जरूर करेंगे यार, ये भी गारंटी है। बजा दो और अच्छे से जो लोग कहते हैं। थैंक यू सो मच सर इस तरह का ड्रीम और इस तरह का लाइफ देने के लिए। टीम साइडर्स ये क्यों बता रहा हूं, लोग कहते हैं दो लोग नहीं जुड़ते मेरे साथ, दो आदमी नहीं जुड़ते, सर मैं कैसे जोड़ पाऊंगा, नहीं होता मेरे से। सर 10.5 साल हुए, 10.5 साल हुए, 30 लाख लोग हो गए, मैंने नहीं जोड़े। सौभाग्य से इतनी अच्छी टीम मिली है, इतने मैं बड़ा लकी हूं, इतने अच्छे अपलाइन मिले और अच्छी इतनी अच्छी टीम मिली कि 30 लाख लोग जहां से चलते 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 पूरे हिंदुस्तान में जुड़ गए और ये 30 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया। आपका टीम साइज दिखाता है उसमें, वो कहते दो नहीं जुड़ते, जुड़ेंगे अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे तो। टीम अचीवमेंट भाई मेरी खाली मेरी अचीवमेंट नहीं है, आज बड़ा लकी हूं यार, मेरी टीम में ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। 1000 कारें आ गई भाई, छोटी बड़ी करके अभी बात कर रहा था, 1000 कारें ये सारे बैठे हैं, संतोष जी से लेकर राजपूत जी से लेकर तेजेंद्र जी से लेकर या बहुत लोग। और मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कारें कभी सोचा नहीं था यार, 10.5 साल पहले पहली कार आई थी और आज इतनी कारें। और दोस्त पहली कार आप बताओ लग्जरी कार, ये जो लोग आप बैठे हुए हैं, अगर एक इंसान आज सपना बनाकर सोच से जाता है, ये लग्जरी कार भी आज इतनी आई, छोटी बड़ी को तो गिनती नहीं है। एक बार चाहूंगा डीसी राजपूत जी के लिए ताली बजा दीजिए, एक 70 साल का आदमी और आज आज 5 लाख रुपए महीने की इनकम और 50 लाख की गाड़ी, साथ में राजीव सक्सेना दूसरे इंसान वेस्टीज के अंदर, उसके बाद तेजेंद्र राणा एक फार्मर आदमी, बजा सकते हो यार। देखो मैं जो क्यों बता रहा हूं ये बातें कि आज अगर ये यह है तो मेरी इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, मेरे अप्लायंस का रोल है, इनकी वजह से सब कुछ हो पाया है, इनके सिस्टम की वजह से हो पाया है, बार बार ऐसे सेमिनार और मीटिंग की वजह से हो पाया है। ड्रीम दिखाए सर ने, ड्रीम बनाए कि एक फार्मर आदमी भी, एक 10वीं 12वीं पास भी आदमी भी आज यहां से ऑडी और मर्सिडीज और जगवार ले सकता है। तो देखिए आप ऐसे ऐसे लोग, मैं तो कह रहा हूं बड़ा लकी हूं यार, बड़ा सौभाग्यशाली हूं, ऊपर वाले ने चुन चुन के हीरे दिए मेरी टीम के अंदर। एक बार मैं टीम के लिए चाहूंगा मेरे भाई ये दिल से यार, संतोष यादव जी जिन्होंने आने के बाद वाकई में धूम मचाई, गदिश किया खूब स्पीड से किया और सिस्टम के साथ अपने आप को अपनी टीम को डेवलप करते हुए। तो लकी हुआ कि ऐसे ऐसे लोग आज ऊपर वाले ने दिए, बहुत खुशकिस्मत हूं। मनोज कुमार जी यहां बैठे हुए आपके बीच में, एक एक इलेक्ट्रिक का काम करने वाले 7वीं पास आदमी आज मर्सिडीज के मालिक है, आप देखते हो इनको आज, वो इनकी बड़ी पर्सनलिटी चेंज हो गई। मोइन खान एक अनपढ़ आदमी आज इतना पैसा कमाता है, बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं। सतपाल अदाना जी के पास आज लग्जरी कार है, लोकेश भाई के पास है, प्रीतम जी के पास है, कितने लोगों का नाम मैं बताऊं, शिवराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, हर आज शिवम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तरुण है या दिनेश जी है, एक एक आदमी अमित ठाकुर जी, मैं वो बोल रहा हूँ कि आज कई बार अपने आप को देखता हूँ यार, इतने लग्जरी कार अपनी टीम में, तो आज ये कैसे हो पाया। अगर सिद्धार्थ सर नहीं होते, ये सिस्टम नहीं होता और ये दिल्ली के इवेंट और ऐसी वर्कशॉप नहीं हो पाती तो जा ही नहीं पाते यार। राकेश यादव जी, सोमेश यादव जी एक पुलिस वाला इंसान, उसके बाद लोग कहते हैं सर हम नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी आज पुलिस में होते हुए भी, उसके बाद यशपाल आज ये कहते ना अपने आप को, इसी मीटिंग में बैठे होंगे, 7000 रुपए की नौकरी करने वाला बजाज बाइक मोटर की एक एजेंसी के अंदर, उसकी मैडम आज MBA, दोनों मिलकर आज काम किया 7000 की नौकरी से, सपने देखो आप और आज पहुंच गए कहां पे जी ओडी के अंदर। तो मैं आपको ये कहूंगा इस बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है अगर कोई इसको समझ ले तो। अवधेश कुमार जी, उसके बाद राजू गुप्ता जी इस दुनिया में नहीं, एक बार चाहूंगा राजू भाई के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दो यार, उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत काम किया। VK मिश्रा जी एक भयंकर आदमी, इतना कुछ करके चले गए। भुवन शर्मा जी आपके बीच में बैठे हुए, एक बार मैं चाहूंगा भुवन भाई के लिए ये, अब मैं बात कर रहा था मानसावर को, भुवन में वेट बहुत कम है लेकिन गाड़ी जो है बड़ी जबरदस्त गाड़ी ले रखी है भाई ने। उसके बाद मैं चाहूंगा कुलदीप जी के लिए, ये सारी चीजें और ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे के सारे जो हो पाया है। अभी राजेंद्र चौहान जी आप बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं
उसके बाद में शेखर भाई बसड़ी जोड़ी कहते यार लाइन लग गया। आज मेरे साथ मेरे को नहीं पता सर यहाँ बैठे हुए हैं जितनी गाड़ियां बस्ती के अंदर ग्रोथ सिस्टम के अंदर है वहां मार्केट मार्केट बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है। इतनी गाड़ियां किसी कंपनी को सोच नहीं सकता इतनी। राजेंद्र भाटिया जी और ये दो लोग इनकी डिलीवरी मार्च में हो रही है। आप सोचिए जो भी बताया वहां तक थी ये दो गाड़ियां इन्होंने भी कराई। उन्होंने कहा सर अभी ले रहे हैं आपने भी टारगेट ले लिया आप भी ले रहे हो। मैंने कहा डन भाई कुछ भी हो जाए करना है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं आवाज नहीं आई चाहते हैं चाहते हैं पांच मिनट और दे सकते हैं मेरे को पांच मिनट चलेगा पांच मिनट पांच मिनट चलेगा ओके तो पांच मिनट में बता रहा हूं कि करना क्या थोड़ा सा बस डायरी पेन है निकाल लो नहीं है समझ लो। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ मिला यार बहुत प्यार मिला सम्मान मिली इज्जत मिली दौलत मिली शोहरत मिली लेकिन यहां तक पहुंचा कैसे यहां तक जो सर ने सिखाया जो बताया उसके कारण हाईवे ऑफ सक्सेस कि सक्सेस का हाईवे क्या है। अगर सही इंसान और सही रास्ते पर चलता है बहुत लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर बहुत लोग चले जाते हैं क्विट कर देते हैं बीच बीच में। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आज ये बातें देखो सर हर बार बोलते हैं यार दुनिया की सबसे उपजाऊ चीज क्या होती है पूरी दुनिया की माइंड। इसमें जो डालोगे जो बीज बोओगे वही आपके साथ उगेगा जैसा डालोगे वही आपके साथ वैसी फसल आप काटोगे। तो जो आप नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो आपके ऊपर जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। सबसे उपजाऊ चीज है ये इसको समझना जरूरी है। बार बार एक ही बात बोलते हैं यार ये दिमाग पिक्चर की भाषा समझता है पिक्चर की भाषा समझता है। इस सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठा लो कि जो बार बार बोलोगे समझोगे देखोगे वो आपके साथ होगा। क्या है एक वीडियो दिखाना चाहूंगा परमिशन है सर एक वीडियो में दिखा रहा हूं और इस वीडियो को गहर से अच्छे से देखना यूट्यूब पे नहीं है वो लेकिन आप इस वीडियो को देखना और समझना जो भी सर बताते हैं बार बार ये काम करने चाहिए। थोड़ा सा और रिवीजन करा देता हूं उस वीडियो को एक बार मैं प्ले करना चाहूंगा इस आराम से देख ढंग से देखना इसको। मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ मैं जिसे चाहता हूं वो मुझको मिले जो मेरा काम था मैंने पूरा किया अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं। हर इंसान का कोई ना कोई सपना या चाहत जरूर होती है। कोई सारी उम्र पैसों के पीछे भागता है तो कोई शांति की तलाश में अपना राज पाठ शान और शौकत सब छोड़ देता है। आपके लिए सफलता का मतलब चाहे कुछ भी हो आप जिंदगी में चाहे कुछ भी बनना चाहते हो या कुछ भी पाना चाहते हो तो एक बात तो तय है कि इसके लिए कोशिश करनी होगी। लेकिन कोई भी कोशिश तभी कामयाब होती है जब वो सही तरीके से और सही दिशा में की जाए। और कैसा हो अगर पूरा यूनिवर्स आपकी इस कोशिश में आपका साथ देने लगे। आपने सुना भी होगा कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी।